नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, अब मैं आपके लिए थ्रेड कटिंग ऑन लेथ मशीन, थ्रेड कटिंग की क्या प्रोसीजर होती है, लेथ मशीन पे हम कैसे थ्रेड काटते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन या हमारी जो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं वो हम लेथ मशीन से कैसे काट सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। थ्रेड कटिंग क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। थ्रेड कटिंग क्या है? तो जो थ्रेड कटिंग है, थ्रेड कटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम थ्रेड को जनरेट करते हैं कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस पे, वर्कपीस का जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उस पे हम क्या करते हैं, थ्रेड को लेथ मशीन से बनाते हैं। तो थ्रेड कटिंग ऑन लेथ मशीन डन बाय यूजिंग स्पेशल अरेंजमेंट इन द कैरिज एंड लीड स्क्रू। तो हम जो लेथ मशीन से थ्रेड काटते हैं इसमें हम स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं लीड स्क्रू एंड कैरिज के बीच में, जिसके कारण हम लेथ मशीन से चूड़ियाँ बना सकते हैं। चूड़ियाँ मतलब थ्रेड जो हमारी नट बोल्ट पर होती हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेड, वो हम लेथ मशीन से काट सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होती है थ्रेड कटिंग की? तो थ्रेड कटिंग में, फॉर थ्रेड कटिंग द हाफ नट ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट कैन बी एंगेज। लेथ मशीन जो होती है उसमें हमारी जो कैरिज होती है और लीड स्क्रू होता है, इसके बीच में क्या है, एक हाफ नट होता है। कैरिज एंड लीड स्क्रू के बीच में जो हाफ नट होता है वो हमारा क्या करते हैं, हम उसको एंगेज करते हैं। दिस एंगेजमेंट मेक द कटिंग टूल, ये एंगेजमेंट है जो यह हमारा श्योर करता है कि मेक द कटिंग टूल टू मूव डिस्टेंस इक्वल टू 1 pitch ऑफ द थ्रेड। हमको जितने पिच की थ्रेड कट करना है उतना ही हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करे क्या, टूल जो हमारा सिंगल पॉइंट टूल है वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा जितने पिच की हमको थ्रेड बनाना है बर रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस के एक रिवॉल्यूशन में। तो फॉर गेटिंग डिफरेंट पिचेस ऑन द जॉब, यदि हमको अलग अलग प्रकार की पिच की थ्रेड काटना है, चूड़ी काटना है किसी भी सिलेंड्रिकल शेप के वर्कपीस पे, तो हम क्या करते हैं, द स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू चेंज बाय गेयर्स। तो इसमें क्या होता है, स्पिंडल गेयर्स होते हैं, स्पिंडल होती है, गेयर्स होते हैं, तो गेयर है जो उसको हम बदल के, गेयर को चेंज करके बिटवीन लीड स्क्रू इसमें हम चेंज करते हैं। गेयर को चेंज करने के बाद हम अलग अलग पिच की थ्रेड है जो लेथ मशीन से बना सकते हैं। तो इसमें जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो हमारा फार्मूला होता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन जो फार्मूला है, इस फार्मूले से, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन फार्मूले का हम उपयोग करके क्या करते हैं, पिच ऑफ द थ्रेड टू बी कट जितने पिच की हमको थ्रेड कट करना है अपॉन पिच ऑफ द लीड स्क्रू थ्रेड। लीड स्क्रू है जो उसकी थ्रेड की पिच कितनी है और जितने की हमको पिच कट करना है वो, हम इन दोनों को एंगेज करके, जो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन होते हैं गेयर्स, इसको एंगेज करके हम क्या है, पिच, उतने पिच की चूड़ी बना सकते हैं, किसी भी वर्क पीस के ऊपर थ्रेड को काट सकते हैं। तो ये हमारी थ्रेड कटिंग प्रोसीजर थी जो कि हमारी लेथ मशीन पे हम थ्रेड है, थ्रेड को कट करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। तो ये डायग्राम दिया हुआ है जो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, जिसको आप ड्रा करें और इस तरह से प्रोसीजर लिखने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, थैंक यू and subscribe channel if not subscribe.